ट्रीटमेंट में पैसे डालते हो तो वो सेव हो जाता है, लेकिन वो आप जितना डालते हो उतना ही सेव होता है ना, तो उससे कुछ पड़ता नहीं है। आप जितना सेव करते हो उतना ही वो सेव हो जाता है, लेकिन अगर वही पैसे आप बैंक में डालते हो तो उससे आपको, अगर आप 100 रुपीज़ बचाते हो तो उससे 3 रुपीज़ आपको बैंक देती है एज ए इंटरेस्ट, तो वो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। तो पिगी बैंक और बैंक में यही फर्क है कि आप जैसे पिगी बैंक में पैसे डालते हो वो सिक्योर रहता है, आपको निकालना नहीं पड़ता है। जब आपको लगता है कि हाँ तो पैसे की ज़रूरत है, आप निकाल सकते हो, वैसे ही बैंक में होता है। अगर वही पैसे आप बैंक में डालते हो तो आपको वो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो, मतलब आपको 3 महीने या साल तक वो पैसे नहीं चाहिए हो, तो आप वो पैसे बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उससे आप एक्स्ट्रा बेनिफिट पाते हो, मतलब उसको FD वगैरह के रूप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है, वो अगर वो आप पैसे नहीं है तो आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हो, तो आप लोन के माध्यम से ले सकते हो। तो मतलब क्या होता है कि आपको पैसे मिल जाते हैं, उस वक्त आप वो जो चाहिए आपको वो खरीद सकते हो और वो बाद में इंस्टॉलमेंट के तरीके से भर सकते हो। तो छोटे बच्चों के लिए बैंक मतलब यही है कि आप पैसे सिक्योर रखने के लिए रख सकते हो, क्योंकि बैंक में रखने से बढ़ने वाले नहीं है, तो बैंक में रखने से वो थोड़ा पैसा तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो बैंक के भी कुछ टाइप्स होते हैं और बैंक के ऊपर भी कोई एक फाइनेंस का कंट्रोल होता है। तो मेन कंट्रोल जो होता है हमारे इंडिया में वो RBI का होता है। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आप फाइनेंस का कंट्रोल देख सकते हो। उन्होंने हमारे इंडिया में दो टाइप्स रखे हैं, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड। और तो शेड्यूल बैंक में हमारा कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक आते हैं, जिसमें कि एक है पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो आज मैं पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को आप लोगों को विजिट करवाने जा रही हूँ। So much for giving me this opportunity to express myself in front of all of you, and thank you so much. Thank you management of Dr. Vishwanath Karad World Peace School Anandi, and thank you all parents and kids and everyone who virtually visit to our bank. Thank you so much.